अखिलेश यादव का गंभीर आरोप, ट्वीट में लिखा, मुझे मुजफ्फरनगर जाने से रोका गया, हारती हुई बीजेपी की दिखी हताशा, देर से रवाना किया गया हेलीकॉप्टर। अखिलेश यादव ने ट्वीट में हेलीकॉप्टर के आगे खड़े होने वाली तस्वीर जोड़ी। अखिलेश यादव का आरोप, दिल्ली में बिना कारण बताए रोका गया मेरा हेलीकॉप्टर। मुजफ्फरनगर में आज हुई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 बजे तय था वक्त, लेकिन 3 बजे तक मुजफ्फरनगर नहीं पहुंच पाए अखिलेश। यूपी में बीजेपी ने जारी की केंद्रीय उम्मीदवारों की नई सूची, इलाहाबाद पश्चिम से बीजेपी ने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को बनाया गया अपना उम्मीदवार, इस सीट पर पहले सीएम योगी के नाम की थी चर्चा। बहराइच से बीजेपी ने पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल को फिर मैदान में उतारा, मैसी सीट से एक बार फिर मैदान में है सुरेश्वर सिंह। गोंडा से बीजेपी ने सांसद ब्रजभूषण शरण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। देवरिया से बीजेपी ने शलभ मणि त्रिपाठी को दिया टिकट, बाराबंकी से अरविंद को मौर्य और कुंडा से सिंधुजा मिश्रा को बनाया गया उम्मीदवार। अमित शाह ने आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में किया प्रचार, डोर टू डोर किया कैंपेन। शाह ने प्रचार अभियान से पहले रुद्रनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है मंदिर। मंदिर के बाहर अमित शाह का मंगल गीत गाकर और पुष्प वर्षा करके किया गया स्वागत। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज मेरठ में संभाला प्रचार अभियान का मोर्चा, कंकरखेड़ा में घर घर जाकर किया जनसंपर्क। मेरठ में सीएम योगी के साथ उमड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, विपक्ष बना सकता है मुद्दा। जेपी नड्डा ने आज शाहजहांपुर में संभाला बीजेपी का प्रचार का मोर्चा, सदर बाजार में डोर टू डोर किया कैंपेन। टाउन हॉल में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से किया मंथन, जीत की बनी रणनीति। कल इटावा जाएंगे जेपी नड्डा, जनसंपर्क अभियान में लेंगे हिस्सा, डोर टू डोर करेंगे अभियान। जाटों को बनाने की कोशिश के बाद बीजेपी की नजर गुर्जरों पर, जल्द होगी गुर्जर नेताओं के साथ बैठक। औरैया की बिधुना विधानसभा सीट से रिया शाक्य ने आज भरा पर्चा। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर ट्वीट वॉर, लिखा, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। सीएम योगी ने आगे लिखा, उनको पाकिस्तान प्यारा है, मां भारत पर जान न्यौछावर करते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन के यूपी में काबा के बाद कवित्री अनामिका जैन अंबर ने बुंदेलखंडी में संभाला मोर्चा, अब आया यूपी में है बाबा। है यूपी में बाबा, ते नैया कछु दिखावा, काय के यूपी में बाबा, है यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, है यूपी में बाबा। यूपी के सीतापुर में एसपी उम्मीदवार आदिश्याम जायसवाल का लिखा, जुदा अंदाज, नामांकन के लिए रिक्शे से पहुंचे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, में अखिलेश को हजम नहीं कर पाता, जाट जानते हैं जयंत चौधरी नहीं बनेंगे सीएम। साक्षी महाराज ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा भी राजनीति सीखनी बाकी है, स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया निशाना। आज उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआ से ठोकी ताल, पूजा पाठ के बाद घर से नामांकन के लिए निकले थे रावत। उत्तराखंड में मतदाताओं को मनाने में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी, खटीमा में घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। मध्यप्रदेश में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बैलगाड़ी हांकते हुए दयालपुर पहुंचे, बीजेपी की बूथ विस्तार योजना का किया शुभारंभ। पंजाब में सीएम फेस का भ्रम दूर करेंगे कांग्रेस, जल्द होगा ऐलान, पंजाब के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने दिए संकेत। विक्रमजीत सिंह मजीठिया करेंगे नामांकन, अकाली दल ने सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट से बनाया उम्मीदवार। पंजाब बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस से जारी की दूसरी लिस्ट। टीएमसी ने सादा गवर्नर धनगढ़ के खिलाफ मोर्चा, बजट सत्र में लाएगी प्रस्ताव। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने सैनिकों के हितों के साथ किया खिलवाड़, बुकलेट जारी करके आज तथ्य देगी कांग्रेस। रेलवे भर्ती विवाद में आज छात्रों का बिहार बंद का ऐलान, पटना में सुबह से ही सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। हाजीपुर में एनएच 31 पर गांधी सेतु के पास देर रात प्रदर्शन, सड़क पर कई जगह आगजनी और हंगामा।
प्रदर्शन की वजह से एनएसडी 1 पर लगा जाम, गाड़ियों की थमी रफ्तार। रेल भर्ती में गड़बड़ी दूर करने और शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। रेल परीक्षा विवाद में सियासी माहौल गरमाया, माजी मुकेश सैनी के समर्थन में बीजेपी की बड़ी टेंशन। मधेपुरा में छात्रों का प्रदर्शन, NH 106 पर हंगामा, ट्रैफिक जाम, कई जगह आगजनी। खगड़िया में बंद समर्थकों ने लगाया जाम, प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद करवाए। खानसर ने जारी किया वीडियो, छात्रों से प्रदर्शन न करने की अपील। पटना में पप्पू यादव से की छात्रों ने मुलाकात, प्रदर्शन के लिए उकसाने का वीडियो आया सामने। पप्पू यादव ने खानसर पर लगाया आरोप, डरकर जारी कर रहे हैं वीडियो। बिहार बंद के ऐलान को यूपी में अलर्ट जारी है, वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर में खास चौकसी के निर्देश। सुशील मोदी ने दिया भरोसा, ग्रुप डी की एक परीक्षा होगी, मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन। रेलवे होने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है ऐसे छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में रोजगार की मांग और परीक्षा में धांधली के आरोपों पर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस, प्रशासन पर दमनकारी कार्रवाई का आरोप, युवा कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। टाटा वाली एयर इंडिया ने भरी पहली उड़ान दिल्ली से मुंबई की। 7 दशक बाद एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा ग्रुप का हुआ AI-665 विमान, उड़ान से पहले ऐतिहासिक पल का हुआ अनाउंसमेंट। आप सबका स्वागत इस ऐतिहासिक उड़ान में करना चाहूंगा। आज एयर इंडिया 7 दशक बाद पूरी तरीके से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की पुत्री सौंदर्या ने की खुदकुशी, फंदे से उतारकर सौंदर्या को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया लेकिन नहीं बच सकी जान। लाला लाजपत राय की जयंती आज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने त्याग और बलिदान को याद करते हुए दी विनम्र श्रद्धांजलि। केरल सरकार का फरमान, स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स को हिजाब और फुल स्लीव्स पहनने की नहीं होगी इजाजत। केरल के तमाम हाई स्कूल्स में बनाए गए हैं स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स। दिल्ली के एरणकी गांव में बीती रात चली ताबड़तोड़ गोलियां, युवक की 10 गोलियां दागकर की गई हत्या। थाने में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के अलीगढ़ में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम सख्त, ड्रोन से चप्पे पर नजर। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मानकों में बदलाव से सर्वोच्च अदालत का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रमोशन में आरक्षण का आधार और समर्थन करने वाले आंकड़े जरूरी, केंद्र सरकार तय करे समीक्षा की समय सीमा। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 निलंबित विधायकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया गया सस्पेंशन। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामे के आरोप में सदन से अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड किए गए थे 12 विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है निलंबन, अनिश्चितकालीन सस्पेंशन तर्कहीन। चमोली में 4 से 5 फीट बर्फ बिछी, स्कीइंग के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। सफेद बर्फ की चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम, मंदिर के आसपास 4 से 5 फीट मोटी बर्फ की चादर। दार्जिलिंग में सीजन की चौथी बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी चादर, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा ठंड। उत्तर भारत में अगले 2 दिन में और बढ़ेगी ठंड, राजस्थान के फतेहपुर में 1 डिग्री तक लुढ़का पारा, शेखावटी में शीतलहर का अलर्ट। अकोला में ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। दिल्ली में कोरोना मामलों में कमी के बीच पाबंदियों में छूट, हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू लेकिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। दिल्ली में सिनेमा और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले गए, कोविड नियमों के पालन के तहत रहेगी सख्ती। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 4,300 नए मामले, 10% से नीचे रही संक्रमण दर। बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर यूपी में 15 फरवरी तक बंद किए गए स्कूल, जारी रहेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। केरल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, एक दिन में करीब 52,000 नए केस।
मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1858 नए मरीज, एक दिन में 12 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 2,51,000 से ज्यादा नए केस, 627 लोगों की मौत। मुंबई में केस घटे लेकिन महाराष्ट्र के कुछ शहरों में बढ़ रहे हैं मामले, पुणे में 4,000, नागपुर में 2,000 से ज्यादा नए मामले। तमिलनाडु में नहीं घटे केस, एक दिन में 28,000 मामले, सबसे ज्यादा 5,500 केस चेन्नई में। कर्नाटक में नहीं घटे केस, 38,000 नए मामले, बेंगलुरु में 17,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे पीएम, करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का भव्य आयोजन, पैरासेलिंग में दिखाए गए करतब। एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास उड़ान, करियप्पा परेड ग्राउंड के ऊपर हल्के विमानों ने भरी उड़ान, आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट्स की सलामी ली, कैडेट्स ने किया मार्च पास्ट। देश के अलग अलग हिस्सों से आए एनसीसी कैडेट्स ने परेड में लिया हिस्सा, पीएम मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को कर चुके पुरस्कृत। 15 जुलाई 1948 को हुआ था एनसीसी का गठन। पीएम मोदी का एनसीसी कैडेट से है खासा लगा, खुद एनसीसी कैडेट में शामिल रहे पीएम मोदी, सामने आई पुरानी तस्वीर। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का शानदार रिहर्सल, लेजर और लाइट शो ने बांधा समा। सैकड़ों ड्रोन ने बनाई हैरान करने वाली फॉर्मेशन, पहली बार इतनी शानदार होगी बीटिंग रिट्रीट। दिव्यांग बच्चों का कारनामा, केरल के अलुवा में तैरकर पार की पेरियार नदी। झारखंड के लोहरदगा में 2 साल 9 महीने का जीनियस बच्चा, देश के सभी राज्यों और राजधानियों का नाम है याद। जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदारों में मची लूट, 416 प्लॉट के लिए 14,000 से ज्यादा आवेदन। नीमच में दलित दूल्हा पुलिस की निगरानी में बैठा घोड़ी पर, विरोध को देखकर दी गई पुलिस सुरक्षा। 12 वर्षीय में फिर मिला नरकंकाल, 6 महीने से गायब था किशोर। हुगली में छिपे 14 डकैत गिरफ्तार, यूपी से आकर छिपे थे, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घेरा ठिकाना। सिवान की जेल में कैदी ने की खुदकुशी, कत्ल के मामले में जेल बैठा बंद। बैतूल में ठग ने डॉक्टर बनकर ज्वेलर को लूटा, खुद को डॉक्टर बताकर सोने का सिक्का अस्पताल मंगवाया, ज्वेलर को चकमा देकर भागा।